हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जो आपके सारे डाउट सॉल्व कर देगी रिलेटेड टू एमसीक्यू। दोस्तों, जो हमारे एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं उसमें बड़ा डाउट आ रहा था बड़े स्टूडेंट को। काफी रूमर्स भी फैले थे कि सर एमसीक्यू में रीजन देने की जरूरत है या नहीं है। पेपर के अंदर जो हमारे एमसीक्यू आते हैं क्या उनमें रीजन देने की जरूरत है या नहीं है, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो होता है हमारा पेपर का वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, एमसीक्यू होता है और उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो कंफ्यूजन ये हो रही थी कि एक मार्क्स तो आंसर ठीक करने के लिए होता है और एक मार्क्स रीजन देने के लिए होता है। तो अगर आप सीधा लिख कर आए कि इस एमसीक्यू का आंसर ए है और आपने उसका रीजन नहीं दिया तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेंगे। तो रीजन कंपलसरी है। तो ऐसे डाउट मन में बहुत आ रहे थे तो उस डाउट को आज पूरा सॉल्व कर दूंगा प्रूफ के साथ। बिल्कुल, मैं पेपर लेकर आया हूँ, जो बच्चे ने एग्जाम में पेपर दिए है उसका मैं आपके पास कॉपी लेकर आया हूँ, तो वो कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा और आपको पूरा डाउट सॉल्व हो जाएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। सीएमए के बहुत सारी चीजें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और फास्ट ट्रैक बैच हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। इसके बाद आप हमारी कोर्सेज भी खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट में deepakclasses.org। ये हमारी वेबसाइट है, आप गूगल पे जाकर हमारे कॉम्बो क्लास या कोई भी क्लास ले सकते हैं। सबसे कम प्राइस और सबसे अच्छी क्वालिटी में आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। डेमो लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आइए बात करते हैं कि भैया क्या है। देखिए, ये है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अवॉइड रेड पेन। तो एक पेपर जब देने जाओगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, रेड पेन लेकर नहीं जाना, रेड पेन से नहीं करना। यूज ओनली ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू राइट सेड द सर्कल। इसका मतलब आपको ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन का यूज करना है, वो भी बॉल पेन का, जेल पेन नहीं यूज करना। तो ये कुछ बातें हैं, आप जरा ध्यान से, हमारा पहला क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है। तो दोस्तों, इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को पहले क्वेश्चन में 18 मार्क्स मिले हैं। 18 मार्क्स मिलने का मतलब है इसने 9 क्वेश्चन ठीक करे होंगे और हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिले होंगे। तो कौन सा पेपर है ये? पेपर है बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का। आइए देखते हैं क्या इस स्टूडेंट ने रीजन लिखा है क्या। ये देखिए सर, क्या इस स्टूडेंट ने रीजन लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ इसने। देखिए, पहला क्वेश्चन टिक करा, 2 मार्क्स दे दिए एग्जामिनर ने। दूसरा क्वेश्चन टिक करा, 2 मार्क्स दे दिए। तीसरा क्वेश्चन टिक करा, 2 मार्क्स दे दिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा। तो 9 क्वेश्चन ठीक करे, 18 मार्क्स दे दिए। ठीक है, तो ये है पूरा प्रूफ आपके पास। ये मेरी कॉपी नहीं है, एक स्टूडेंट की कॉपी है। कौन से पेपर एग्जाम की है? दिसंबर 2023 अटेम्प्ट का है। तो जून 2024 है, दिसंबर 2023 दोनों का सेम पेपर था। मतलब सेम क्वेश्चन पेपर है, सेम मॉडल टेस्ट पेपर है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि दिसंबर में मॉडल टेस्ट पेपर में तो रीजन देने को नहीं कहा होगा पर जून में कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा पेपर था मैंने आपको दिखाया? ये मैंने आपको बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का दिखाया। आइए मैं आप दूसरा पेपर दिखाता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, सारे पेपर। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 16 मार्क्स इसको मिले हैं बच्चे को पहले क्वेश्चन में। इसका मतलब इसने 8 क्वेश्चन ठीक कर होंगे। तो आइए देखते हैं क्या करा है। पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, 13। एक क्वेश्चन ये ठीक करा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक सबसे पहले ठीक करा है 8। तो 8 क्वेश्चन इसे ठीक करे, 8 × 16 पूरे 16 मार्क्स मिल गए। कहीं भी रीजन दिखाया आपको? नहीं दिखा, कहीं भी रीजन नहीं दिखाया आपको। अब आ जाते हैं अगले पेपर के अंदर। अगला पेपर है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर से 16 मार्क्स मिले हैं स्टूडेंट को और देखिए कहीं पर भी उसने रीजन नहीं दिया हुआ है। फिर मैं गिनवा देता हूं एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आपको लगता है ना कि एग्जामिनर गलत करता है, वो करता है, पूरे करेक्ट सही करा है उसने एग्जामिनर ने। ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर ही हर पॉइंट पर गलत है। अब देख लीजिए, 8 क्वेश्चन ठीक करे, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, 8 × 16 मार्क्स हुए। ठीक है ना। अब आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इसमें सर 8 ही मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब 8 नहीं ठीक करे, 4 ठीक करे होंगे। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिल रहे हैं। इधर देखिए, पहला क्वेश्चन ठीक ये करा, दूसरा ये करा, तीसरा ये करा, चौथा ये करा, बाकी सब गलत हो गए थे इस वजह से। तो 4 क्वेश्चन ठीक करे, हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिले होंगे। तो भैया 1000 वीडियो देख लीजिए, आप 1000 वीडियो देख लीजिए, उन में जैसा कह रहे कि रीजन देना है, ये करना है, वो करना है। आप ऐसा भी कहे आपको रीजन देने में कितना ही समय लगेगा, 2 मिनट हार्डली लगेंगे या 1 सेकंड या 1 मिनट हार्डली लगेगा। भाई देना ही नहीं है, रीजन देना ही नहीं है। और कई बार अभी रिसेंटली हमने देखा था, इस एक स्टूडेंट ने मुझे क्या करा था, एक फॉरवर्ड करा था यही पेपर। और उसमें क्या हुआ था कि एग्जामिनर ने, उसने टिक करा हुआ था पर ये पता नहीं चल रहा था कि वो इंटर का है या फाइनल का है।
क्योंकि फाइनल में रीजन देने की जरूरत होती है, पर इंटरमीडिएट लेवल पे रीजन नहीं देने होते। फाइनल में भी सेम आता है, 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं और उसमें रीजन भी देना पड़ता है, तब आपको पूरे 2 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इंटर में ऐसा नहीं है। तो बीच में टेलीग्राम में वो आया था, तो इसको कॉपी आने में, कॉपी मिलने में मुझे टाइम लगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आई है, बट पेपर से पहले मैं ये वीडियो ले आया, जिसकी वजह से आप डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है या कोई कह रहा है कि नहीं भाई लिख लियो, ये कर लियो, उसको ये वीडियो भेज देना और दिखा देना कि भाई जरूरत नहीं है, ये दिसंबर 23 का पेपर है, जून 24 का भी एग्जाम पेपर मंगवा कर दिखा दूंगा जब वो एग्जाम हो जाएंगे आपको, दिसंबर वालों के लिए, अगले दिसंबर 24 वालों के लिए। तो दोस्तों जिस चीज में रीजन देना ही नहीं है उस चीज में 1 मिनट मत देखो ना, 15 क्वेश्चन है, 1 मिनट हर क्वेश्चन में रीजन देने तो 15 मिनट तो लग गए, 15 मिनट में 1 क्वेश्चन तो करते हैं आप, तो इतना समय नहीं होता एग्जाम में। जिस बात के लिए रीजन नहीं देना तो नहीं देना, उसका नंबर ही नहीं है, तो फालतू में टाइम वेस्ट मत करिए। इसलिए मैं आपको ये लॉजिक दिखाकर, इसलिए मैं आपको ये प्रूफ के साथ आया, और एक क्वेश्चन नहीं दिखाया, पेपर नहीं दिखाया, चारों पेपर दिखा दिया आपको, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में भी ऐसा ही है, ग्रुप 2 में भी ऐसा ही है दोस्त, अगर आप ग्रुप 2 के एग्जाम दे रहे हो उसमें भी ऐसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इंटरमीडिएट लेवल पर रीजन देने की जरूरत नहीं होती, जबकि फाइनल लेवल पर ग्रुप 3 ग्रुप 4 में रीजन देने की जरूरत होती है, ठीक है दोस्त। तो अब आप, आपकी मर्जी है, आप रीजन देना चाहे वो अपनी खुशी से देना चाहते हो दे दो, बाकी जरूरत नहीं है, प्रूफ के साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहां पर बहुत कुछ मिलेगा आपको, ग्रुप 2 से मिलेगा आपको, ग्रुप 1 से मिलेगा आपको, फास्ट ट्रैक बैच हर सब्जेक्ट के यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं, इस बार हम 2 के लेकर आए थे, जिसके अंदर कुछ पॉइंट ऑफ पार्ट अभी थोड़ा रह गया है, बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी दोस्त, मैंने देखा बीच में वीडियो भी डाली, करीब 1 हफ्ता रही जो रिकॉर्डेड वीडियो थी वही डालता रहा, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पाया, अब मैं द्वार से वो वीडियो डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो आप चैनल पे बने रहिए, कुछ जो टॉपिक सेलेक्ट रह गए हैं वो करा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब रीजन बता देता हूँ क्यों, पेपर आने वाले हैं, पेपर से पहले मैं एक क्वेश्चन पेपर डालता हूँ, एग्जाम में एग्जैक्टली वही प्रेजेंट करता है, मतलब बेसिकली जब आपका क्वेश्चन पेपर मेरा देखोगे तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको फील होगा कि अरे ऐसी तो हम कल भी करके आए हुए हैं, सेम यही क्वेश्चन का पैटर्न तो हम कल भी करके आए हैं। तो कोशिश करिए, वो टेस्ट फ्री रखता हूं मैं, हालांकि हमारे पेड टेस्ट भी चलते हैं, बट अब पेड खरीदने का कोई समय नहीं है, पेड वाले बच्चों के लिए भी टेस्ट आएंगे अलग से वहीं पर, और एक फ्री टेस्ट भी देता हूं, जो जिन्होंने पेड नहीं खरीदा होता उनको एक अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से काम करना होता है, किस तरीके से पेपर आता है, वो उनको मिल जाएगा। तो टेस्ट जल्दी आ जाएंगे, कहां पर टेस्ट 1 दिन पहले आता है, अगर 10 तारीख को पेपर है तो 9 तारीख की रात को टेस्ट अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल के अंदर, तो ज्वाइन करके रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे कोई क्लास खरीदना चाहते हैं दोस्तों, आप हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी आप हमारी क्लास बाय कर सकते हैं, सबसे कम प्राइस होगा और सबसे अच्छी क्वालिटी होगी, इस बात की गारंटी है, सब कुछ कराया जाएगा एज पर CM। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, धन्यवाद।